बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। दगामार वाहनों पर काफी दिनों बाद खुली पुलिस की नींद। पुलिस ने दगामार वाहनों पर शुरू की कार्रवाई। बुलंदशहर शिकारपुर निम्न जगहों पर चल रहे दगामार वाहनों पर पुलिस ने की कार्रवाई, जबकि काफी समय से संचालित है दगामार वाहन, लेकिन शिकारपुर क्षेत्राधिकारी अन्विता उपाध्याय के नेतृत्व में काफी दिनों बाद नींद से जागकर पुलिस ने की कार्रवाई। शिकारपुर पुलिस द्वारा वर्दी न पहने पर स्कूल वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई का वाहन चालकों पर कितना होता है असर। जबकि कड़े शब्दों में सभी वाहन चालकों को दी जा चुकी है चेतावनी, क्योंकि अब से पूर्व में भी नगर में काफी हद तक रहा है। शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा ने आज दगामार बसों के काटे चलान, दगामार बसों के ड्राइवर पुलिस प्रशासन के सामने हाथ जोड़ते दिखाई दिए। दगामार बसों के ड्राइवर व कंडक्टर कागज नहीं दिखा पाए तो कोतवाली प्रभारी निरीक्षक का पारा हाई हो गया, तो दगामार बस के ड्राइवर को चेतावनी देकर छोड़ा दगामार वाहनों का बोलबाला। लेकिन इस बार काफी समय के बाद पुलिस द्वारा इस प्रकार के वाहनों पर कार्रवाई। अब केवल देखना यह होगा कि क्या वास्तव में पुलिस प्रशासन की बातों का क्या जाएगा पालन, न्याय से ही बनी रहेगी नगर की स्थिति, सोचने का विषय।